हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम है मोहन राणा और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक की जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग में है उन लोगों के लिए जो कि फैट लॉस करना चाहते हैं और यूट्यूब पर जाकर उस वीडियो को सर्च करते हैं और बिना कुछ सोचे समझे आप डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ 600 कैलोरीज, 900 कैलोरीज, 800 कैलोरीज और 700 कैलोरीज, इस तरह के कुछ डाइट प्लान जो कि यूट्यूब पर काफी चल रहे हैं और आप लोग बिना सोचे समझे उनको फॉलो करते हैं, उस डाइट प्लान को फॉलो करते हैं। उसका आपकी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होगा, अच्छा या बुरा, आपकी बॉडी पर कैसे रिएक्ट करेगी, इनमें से किसी भी चीज को बिना सोचे समझे आप सीधा उसको फॉलो करने लग पड़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों अभी मैं बात करता हूं जो मैंने आपको बताया 600 कैलोरीज, 700 और 800-900 कैलोरीज, इस तरह के कुछ डाइट प्लान। दोस्तों जब भी आप फैट लॉस करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि हम कौन कौन सी चीजें अपनी डाइट में ऐड करें और या फिर कौन कौन सी चीजें अपनी डाइट से हम लोग उसे हटा दें। और जिन लोगों के पास एक कोई अच्छा कोच नहीं है, जिसको कोई नॉलेज हो, वो लोग जाते हैं और वो लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं बेस्ट डाइट फॉर फैट लॉस और उसमें निकल कर आते हैं आपके अलग अलग तरह के 700 कैलोरीज डाइट प्लान, 800 कैलोरीज डाइट प्लान, और आप लोग बिना कुछ सोचे समझे उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि क्यों आपको डाइट प्लान फॉलो नहीं करने चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक मशीन है, मान लीजिए एक बाइक है, आप उसको चलाते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसको भी आपको सर्विस करवानी होती है, यानी मशीन की आपको टाइम टू टाइम आपको उसमें टाइम टू टाइम अपनी बाइक की मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। अगर आप उसको नहीं करवाएंगे तो उसमें आपको थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिक्कतें सामने आने लग जाएंगी। ऐसे ही हमारे शरीर की भी एक मिनिमम कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है और अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते तो कुछ टाइम तक तो वो आपका साथ देगी पर उसके थोड़े टाइम बाद आपको उसके जो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसको उसकी जो मिनिमम कैलोरीज है उतनी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो कुछ टाइम बाद आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि किस तरह आपको आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स सामने आने लग जाएंगी। अब आप सोचेंगे कि आपको मिनिमम कैलोरीज चेक कैसे करें, आप सबके पास फोन है, आप नॉर्मली गूगल पर जाए, आपको साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीन पर गूगल पर जाकर आप BMR सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको सबसे ऊपर BMR कैलकुलेटर लिखा हुआ आएगा, उसमें आप जाएं और उसमें आप एंटर करें। तो एग्जांपल की हम ले लेते हैं कि एक लड़की है, उसकी एज 25 साल है और उसकी हाइट है 165 सेंटीमीटर और उसका वेट है 60 kg। अब उसे अपना वेट कम करना है तो उसको मिनिमम कैलोरीज कितनी लेनी ही लेनी है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो उसका बाय डाटा आ जाएगा कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं, तब भी आपको मिनिमम 1600-1614 कैलोरीज की ज़रूरत है ही है। और अगर आप फैट लॉस पे जा रहे हैं तो आपको एक तरीका है कि 250 से 300 कैलोरी कम उसकी कंज्यूम करनी पड़ती है, यानी अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तब भी आपको कम से कम 1200 से 1300 कैलोरीज तो लेनी ही पड़ेगी। पर जब आप फैट लॉस करते हैं, आपका आपका गोल है कि आपको अपना वेट कम करना है, अपना फैट कम करना है, तो आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो आप इसी में नीचे देखेंगे तो इसमें क्लियर दिखा भी इसमें लिखा है कि एक्सरसाइज अगर आप हफ्ते में 1 से 3 दिन करेंगे तो आपकी कैलोरीज इनटेक 1850 हो जाएगी, अगर आप 4 से 5 करेंगे वो 1971 हो जाएंगी, इंटेंस लेवल पर करेंगे तो वो और बढ़ जाएंगी। और जब आप फैट लॉस करने के लिए जाते हैं तो कोई भी लाइट एक्सरसाइज नहीं करता, ऑलमोस्ट मैक्सिमम पीपल जो है, मैक्सिमम लोग जो है वो थोड़ा हाई लेवल की एक्सरसाइज करते हैं और उसको आप इसमें अगर काउंट करें तो वो आप इसमें देखें तो डेली एक्सरसाइज का जो एक कॉलम है उसमें 3 से 4 दिन का आपका लिखा हुआ है कि आप इतने दिन आपको एक्सरसाइज करनी है तो भी आपको 2000 कैलोरीज चाहिए। तो अब अगर आपको अपना फैट लॉस करना है तो फैट लॉस के लिए आप कैलोरी सरप्लस में नहीं जाते, यानी ज़्यादा नहीं लेते, आपको जितनी कैलोरी आपकी मेंटेनेंस है उससे आपको कम लेनी पड़ती है 250 से 300। अगर आप उसको 400 भी कम कर दें तब भी आपको एटलीस्ट 1600 कैलोरीज लेनी होंगी। अब बहुत से लोग हैं जो 900 कैलोरीज लेते हैं, 800 कैलोरीज अपना डाइट प्लान फॉलो करते हैं, दोस्तों उसके आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, उससे आपका वेट कम भी हो जाएगा, पर वो सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, एक लॉन्ग टर्म के लिए, रेगुलर आपका उससे कोई फायदा नहीं होगा, अगले आपको उसके नुकसान ज़्यादा होंगे। जैसे ही आप अपनी एक दोबारा से नॉर्मल डाइट पर आ जाएंगे दोस्तों, तो फिर आप फिर से बहुत ही फास्ट वेट गेन करना शुरू कर दोगे
और जितनी जल्दी आपने अपना वेट ड्रॉप किया था उससे जल्दी आप अपना वेट गेन कर लोगे, क्योंकि हमेशा के लिए इतनी ही कम कैलोरीज कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आप इतनी कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो आपको आपके शरीर में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, बहुत सारी बीमारियां आपको लग जाएंगी, आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आपकी बॉडी में और भी कई तरह की जो है वीकनेसेस आपको आएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी बॉडी में वीकनेस लेके आए फैट लॉस के नाम पर, उससे अच्छा है कि आप एक रेगुलर अच्छी डाइट फॉलो करें और अच्छा वर्कआउट करें। बहुत जल्दी रिजल्ट की जो है आप कामना ना रखें, ऐसे कोई इच्छा ना रखें, थोड़ा रिजल्ट आपको 20 दिन 25 दिन एक महीना लेट मिल जाए, पर वो आपको जो है वो रिजल्ट वो हो जो कि आपको रेगुलर हमेशा के लिए मिले, अब जो कि आपकी फिटनेस को लेके आए, जो आपकी बॉडी को आपके शरीर को एक अच्छी शेप में तो लेके आए, साथ साथ आपको हर बीमारी से दूर भी रखे। तो इसलिए दोस्तों ऐसी किसी भी कोई भी वीडियो को देखकर बिना सोचे समझे ऐसे कोई भी डाइट प्लान फॉलो ना करें और अपनी सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करें। और अभी बात करते हैं तो कैलोरीज का, तो सबकी बॉडी टाइप अलग है, सबकी बॉडी कंडीशंस अलग हैं, तो किसका क्या डाइट प्लान होगा ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर, आपकी बॉडी टाइप पर, आपका कितना फैट परसेंटेज है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसके लिए आपका जो कोच है उससे बात करें या फिर थोड़ा और रिसर्च करें और एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें और अपना फैट लॉस को जो है एक अच्छे वे में जाएं उसको, और अपने वेट को कम करने के लिए एक अच्छे वे में कम करें उसे, ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा कम खाकर अपने शरीर को जो है आप खराब ना करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू।